बॉर्डर पे पहुंच गया हूँ। यहाँ से हम लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं और मुझे लगता है कि कुवैत साइड पे बारिश होगा क्योंकि वहाँ पे फुल काला बादल है उस साइड पे, आप लोग देख सकते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज गाइस इंशाल्लाह मैं जाऊँगा कुवैत, दो दिन का सफ़र है, जुम्मा वहाँ पे रहेंगे इंशाल्लाह, हफ्ते को वापस आ जाएंगे। और अभी मैं निकलता हूँ, अभी मेरे ख्याल में 2:30 बजे जोहर के। अच्छा गाइस, ये व्लॉग सिर्फ आज बनेगा बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर, और उससे पहले मैं जाऊँगा जो सोकर रफा है, वहाँ से कुछ सामान ख़रीदना था ताकि सफ़र के लिए किस चीज़ का कमी नहीं हो मेरे पास। अच्छा गाइस, बिस्मिल्लाह करते हैं। पेट्रोल थोड़ा सा कम है, एक ही नुक्ता कम है, 232 किलोमीटर जा सकते हैं इसके ऊपर में, लेकिन अभी इसे फुल करवाते हैं क्योंकि मेरे ख़्याल में सऊदी और कुवैत से, कुवैत में तो शायद सस्ता होगा बहरीन से, लेकिन सऊदी से बहरीन में सस्ते हैं पेट्रोल, तो यहाँ से फुल करवाते हैं 400 किलोमीटर तक ऐसे इंशाल्लाह जा सकेंगे अगर हम लोग क्रॉस कंट्रोल पे इसको लगा लें। अगर क्रॉस कंट्रोल पे नहीं लगाओ, रेस देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल भी ही लेता है। पेट्रोल पंप पे पहुंच गया हूँ मैं, वेट कर कर ब्रदर, एक दिनार का कर दें। हाँ, एक दिनार का कर दें, टैंक ही फुल है, लेकिन फिर भी शायद थोड़ा सा कमती होगा, बस ख्याल करें बाहर नहीं गिर जाए। आइयो, जिस दुकान से मुझे सामान ख़रीदना था ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल में इन्होंने ख़त्म भी किया है, इनसे मैं पता करवाता हूँ। ओके गाइस, मेरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मुझे जाना होगा सीधा बॉर्डर पे, बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गया, अभी 3 बज गए। गाइस, मेरे साथ एक बड़ा सीन हो गया है यार, अभी मैं जा रहा था, करीब ही पहुंचा था बॉर्डर का, लेकिन फिर मुझे याद आया कि अबे यार मैंने तो पासपोर्ट नहीं उठाया। पासपोर्ट वैसे सऊदी से मुश्किल नहीं है, सऊदी से काम चल जाएगा, CPR से भी, लेकिन कुवैत का मुझे नहीं पता, कुवैत में पासपोर्ट चाहिए कि उधर से भी, मेरे ख्याल में CPR से पता नहीं काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, उसका पता नहीं, लेकिन लाजिम ज़रूरी है पासपोर्ट उठाना। फिर भी यार पूरा सामान मैंने तरतीब कर दिया था, सब कुछ सेट हो गया, बस पासपोर्ट में वो भूल गया था। अभी मैं घर वापस जा रहा हूँ पासपोर्ट उठाने के लिए, 3:30 बज गए, देखते कब पहुँचते हैं। मुझे नहीं यकीन कि रात को शायद 11 बजे भी मैं पहुंच जाऊं। बॉर्डर पे पहुंच गया हूं, यहां से हम लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं और फिर चेक पोस्ट पे जाते हैं। ये यहाँ से पहले इंश्योरेंस करवाते हैं, फिर सामने चेक पोस्ट पे जाते हैं। क्रॉस कर दिए, 2 दिनार मेरे ख्याल में 5 रुपये से जसर का हम लोगों ने जमा कर दिए, यानी ब्रिज का हम लोगों ने 2 दिनार 5 रुपये जमा कर दिए। देखते हैं अभी आगे क्या होता है, बॉर्डर अभी तक दूर है, थोड़ी दूर है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। मुझे लगता है कि कुवैत साइड पे बारिश होगा क्योंकि वहाँ पे फुल काला बादल है उस साइड पे, लोग देख सकते हैं।
10 मिनट कम 5 तो इधर बॉर्डर पे बच गए। निकलने में कितना टाइम लगेगा देखते हैं, अभी 4:50 है, देखते हैं कितना टाइम लेते हैं। मैं यहाँ पे कैमरा बंद कर लेता हूँ, शायद मना हूँ, कुछ तो लिखा नहीं है कि हाँ सामने कैमरा लगा है, सॉरी बोर्ड लगा है कि कैमरा ममनू है, मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा गाइस, बॉर्डर क्रॉसिंग हो गई है और मैं अभी सऊदीया में पहुंच रहा हूँ। ये बिल्कुल सामने सऊदीया में तो पहुंच गया हूँ, बॉर्डर क्रॉस हो गया है, लेकिन ये अलखबर का एरिया अभी आ गया है। ये सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं ये अलखबर का एरिया है। अलखबर में हम लोग इंटर हो गए। ये सामने मस्जिद है, को फुल पुराना का है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार बाहर से तो। नेविगेशन मुझे बता रहा है कि सीधा जो मैं इस साइड पे मैं घूम रहा हूँ। अच्छा गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर क्रॉसिंग तो हो गई और अभी मैं सऊदीया में हूँ। यहाँ पे अभी शाम होने वाला है, आधा घंटा ऐसे मेरे ख्याल में रहते हैं, और अभी हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह कुवैत। अगला व्लॉग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कुवैत का।